के प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हूँ। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के सबसे बड़ी घरकुल योजना मालेगांव शहर के अंदर है। जब विलासराव जी देशमुख साहब उस समय मुख्यमंत्री थे, उस वक्त तो महाराष्ट्र सरकार ने 500 एकड़ ज़मीन मालेगांव महानगर पालिका को बिना मूल्य दी, और उस वक्त तो यूपीए गवर्नमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने 11,520 मकान IHSDP से मंजूर करके दिए गए। उसके बाद 3,000 मकान का फिर एक टप्पा आया, मालदा शिवार और साइना शिवार के अंदर बन रहे। अध्यक्ष महोदय, मैंने वारंवार मंत्री महोदय को निवेदन दिया कि वहाँ पर जो फैसिलिटी होना चाहिए आज तक वो फैसिलिटी नहीं मिली है, और वो एक नवा गांव मालेगांव शहर से लगकर एक नवा घरकुल योजना बन रहा है, एक नया गांव बन रहा है, वहाँ पर 50,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर जाने वाली है। लेकिन मालेगांव महानगर पालिका ने अभी से कई लोगों का ट्रांसफ़र करने का लेटर दे दिया, कई लोगों से पैसा भराने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन अगर आज हम वहाँ पर जाकर देखें तो वहाँ पर ना हॉस्पिटल तैयार है, ना वहाँ पर स्कूल तैयार है, ना वहाँ पर भाजी मार्केट तैयार है, ना वहाँ पर धार्मिक स्थान के लिए जगह है, ना वहाँ पर कब्रस्तान के लिए आरक्षण है, ना वहाँ पर जो सहूलत जो सुविधा एक नागरिक को एक इंसान को होना चाहिए आज वहाँ पर ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। और वहाँ पर अभी से महानगर पालिका ट्रांसफर करने की बात कर रही है, और एक बड़ा गंभीर विषय है कि उसी से लगकर मालेगांव शहर का डंपिंग ग्राउंड है, और वो मालेगांव शहर और जहाँ नई घरकुल योजना बन रही उसके बीच में, एकदम बीच में एक पूरे शहर का कचरा वहाँ पर डंपिंग किया जाता है, वो डंपिंग ग्राउंड है। और उस डंपिंग ग्राउंड जब तक नहीं हटेगा, जब तक उसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पर 1,50,000 पॉपुलेशन जाकर वहाँ रहेगी, तो उनके आज आरोग्य को धोखा निर्माण होने की शक्यता है। और मेरी ये सरकार से विनती है कि वो डंपिंग ग्राउंड को ट्रांसफर होना चाहिए, और जो नई घरकुल योजना बन रही है जब तक वहाँ पर सभी सुविधा नहीं मिल जाती, जब तक किसी को भी वहाँ पर ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। या आज मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय मैं बोलना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, मालेगांव शहर पावरलूम शहर है, भिवंडी पावरलूम शहर है, इचलकरंजी है, धुलिया है। लेकिन एक तरफ जहाँ हमारी सरकार ये बात करती है कि मेक इन महाराष्ट्र, मैग्नेट महाराष्ट्र करने की बात करती है, लेकिन एक जो महाराष्ट्र के अंदर अगर खेती के बाद अगर सबसे बड़ा उद्योग देने वाला कोई अगर व्यवसाय है तो वो पावरलूम उद्योग है, वस्त्र उद्योग है। लेकिन आज वहां पर ऐसी हालत है कि महाराष्ट्र हुकूमत सिर्फ वहां पर बिजली दर के अंदर कुछ सुविधा देती है, कुछ सब्सिडी देती है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई प्लेन पावरलूम के लिए पॉलिसी है, ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है। और जब अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की नई स्कीम जो लॉन्च हो रही है टफ के जरिए, जो वाटर जेट पावर लूम लगाने की बात हो रही है, एयर जेट पावर लूम लगाने की बात हो रही है, तो उसके लिए हमको MIDC के अंदर ज़मीन चाहिए। एक MIDC वहाँ पर 71 प्लॉट है, लेकिन वहाँ पर 500 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई MIDC की, लेकिन वहाँ पर लेआउट तैयार किया गया, अभी तक उसका ओपन नहीं किया गया, उसके ऊपर बुकिंग शुरू नहीं की गई। और लेकिन वो हो रहा है वो सिर्फ पावर लूम, लेकिन उसके अंदर 50% जनरल पर्पस होना चाहिए, 50% पावर लूम होना चाहिए, और उसके अंदर प्रोसेसिंग भी होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र का कपड़ा पाली बालोतर राजस्थान जाता है, गुजरात जाता है, और वहां जाकर वो प्रोसेसिंग किया जाता है, डाइंग होता है, फिनिशिंग वहां पर होता है, और यहां सिर्फ कपड़ा तैयार होता है। लेकिन पीछे क्या हुआ कि पाली और बालोतरा के अंदर जब NGT का स्टे हो गया तो पूरा कपड़ा हमारा रुक गया, और जबकि महाराष्ट्र के अंदर अगर हम वो सुविधा अगर प्रोसेसिंग की दे देंगे तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र का कपड़ा जो तैयार किया हुआ है वो यहीं पर प्रोसेसिंग होगा, यहीं पर डाइंग होगा, यहीं पर फिनिशिंग होगा, प्रिंटिंग यहीं पर होगा, तो यहीं का कपड़ा यहीं रह जाएगा, और हमारे महाराष्ट्र के अंदर इसका उद्योग का बढ़ावा मिलेगा और उद्योग बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, अभी 4 दिन पहले मैंने हाउस के अंदर एक मुद्दा उपस्थित किया था कि साइजिंग जो कच्चा यार्न होता है सूत गिरनी से जो आता है उसको पक्का करने के लिए साइजिंग जिसे बोला जाता है उसको हीट दी जाती है। अभी आज क्या हुआ कि वहां पर NGT के अंदर कोई एक व्यक्ति गया और उस व्यक्ति के कारण से क्या हुआ कि कई साइजिंग को बंद कर दिया गया, क्लोज लेटर दे दिया गया। लेकिन अभी यह भी सुनने में आ रहा है कि कुछ साइजिंग को MIDC में जाने की बात की जा रही है, लेकिन MIDC के अंदर जगह ही नहीं है तो साइजिंग जाएंगी का,
वहां पर उनको तुम पहले प्लॉट दो, वहां पर पहले सुविधा दो, उसके बाद ले जाने की बात होना चाहिए। तो ये अगर एनजीटी और कोर्ट की बात है, लेकिन वहां पर हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय मुझे बोलनी है कि 4 साल से मालेगांव शहर के अंदर माइनॉरिटी का ITI कॉलेज बनना चाहिए, इसके लिए मैं पार्टी पुरावा कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय मालेगांव महानगर पालिका की शहर के बीच की जगह, करोड़ों रुपये की जगह 1.5 एकड़ जमीन हमने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिया। हमने बाकायदा प्रस्ताव बनाया, उसके बाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने उसको फाइनेंस के अंदर भेजा, लेकिन अभी तक वो कैबिनेट के अंदर आया नहीं है, वो फाइनेंस के अंदर रुका हुआ है, और वो जब कैबिनेट में आएगा तो मालेगांव शहर को एक ITI की जरूरत है, वो मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय दूसरी बात कि महाराष्ट्र के अंदर और मालेगांव शहर, इसके अंदर जितनी प्राइवेट स्कूलें हैं जो 2011 से लेकर आज तक वहां पे प्राइवेट स्कूलों ने टीचर लगा ली है, कलर्कों को लगा ली है, लेकिन उनका टुकड़ी की जो मंजूरी है उनकी मंजूरी नहीं मिल रही, मान्यता नहीं मिल रही, उनका पेमेंट शुरू नहीं हो रहा, वो भी अध्यक्ष महोदय जो महाराष्ट्र के अंदर मालेगांव शहर के अंदर प्राइवेट टीचरों को अध्यक्ष महोदय उनकी पगार शुरू होना चाहिए और उनको अप्रूवल मिलना चाहिए, मान्यता मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय दूसरी बात कि मालेगांव महानगर पालिका के अंदर नौकर भर्ती की बात, बडोले साहब आप बैठे हैं यहाँ पर, मैं एक हफ्ता पहले आपसे मैं मिला और सचू महोदय भी आपके साथ थे, उन्होंने कहा कि मैं आज नगर विकास की तरफ से कुछ अभिप्राय लेने के लिए आपके तरफ गया, 4 क्लास के सफाई कर्मचारी की मैं बात कर रहा हूँ, आकृति बन महाराष्ट्र हुकूमत ने मंजूर कर दिया है, लेकिन सचू महोदय को मैं 8 दिन से इस अधिवेशन में नागपुर में उनकी ऑफिस में जा रहा हूँ, उनसे विनंती कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने फाइल के ऊपर एक सिग्नेचर करके एक अभिप्राय नगर विकास डिपार्टमेंट को नहीं दिया। ये अन्याय, ये मेरे साथ नहीं है, मालेगांव के साथ नहीं है, बल्कि वो 4 क्लास सफाई कर्मचारी के साथ बिल्कुल अन्याय किया जा रहा है। मैं आपसे विनंती करता हूं हाथ जोड़ के कि वो फाइल आप कल ही अपने सचिव महोदय को बोलिए कि उसको जो भी अभिप्राय पॉजिटिव वहां पर भेजेंगे तो उनकी भर्ती हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय 2 मिनट लूंगा, अध्यक्ष महोदय मालेगांव शहर एक सेंटर है और हमारा रेलवे स्टेशन जो है मनमाड़ आता है 30 किलोमीटर। अध्यक्ष महोदय मालेगांव शहर से लेकर मनमाड़ और यौले तक का रोड इतना खराब है, कई टेम पत्र वार किए गए लेकिन आज तक उसको मंजूरी नहीं मिली, मेरी विनंती है कि वो रोड बनना चाहिए और मालेगांव से 40 गांव तक वो रोड भी सिंगल रास्ता इतना खराब है कि उसको कई टाइम हमने बोला तो वो बोलते कि जलगांव जिले में आता, कोई बोलता नासिक जिले में आता, इस वाद से वो काम रुका हुआ है। अध्यक्ष महोदय वो भी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्र के अंदर वक्फ बोर्ड की जमीन 1 लाख एकड़ है, खड़से साहब ने इसका उत्तर दिया था और उन्होंने यह भी उत्तर के अंदर कहा था कि 70,000 जमीन के ऊपर अतिक्रमण है, दूसरों के ताबे में है। अध्यक्ष महोदय हम आज भी ये सभागृह के अंदर मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए बात हमने कही, सरकारी नौकरियां मिलना चाहिए यह भी बात हमने कही, लेकिन खड़से साहब ने उस समय जो बात कही थी मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर 1 लाख एकड़ जमीन अगर मुसलमानों को ताबे में दी जाए, वक्फ बोर्ड को अगर क्लियर करके दी जाए तो उसके ऊपर बहुत बड़ा व्यापार हो सकता है और मुसलमानों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं हो सकती। मैं बोलना चाहूंगा कि वो जो 70,000 एकड़ जमीन के ऊपर जो कब्जा है वो सरकार निकाल कर वक्फ बोर्ड को दे और उससे कोई बड़ा व्यवसाय करके सरकार का भी आमदनी बढ़ेगी, रुपया पैसा आएगा और वो मुसलमानों के माइनॉरिटी के अल्पसंख्या के ऊपर खर्चा होगा। अध्यक्ष महोदय दूसरी बात मुझे बोलनी है, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा कि पिछली सरकार के अंदर एक निर्णय हुआ था गृह डिपार्टमेंट का, अध्यक्ष से पहले चाहे मस्जिद का परमिशन अगर लेना, चाहे भवन का परमिशन, चाहे मंदिर का लेना है, चाहे गिरजाघर का लेना है, चाहे कोई भी धर्म के लोगों का जो भी स्थान है उसका अगर परमिशन लेना जाए तो पहले महानगर पालिका जिला परिषद परमिशन दे देती थी, लेकिन अभी क्या हो गया कि अगर आपको मस्जिद बनाना है, अगर मुसलमान को, हिंदू भाई को मंदिर बनाना है, अगर किसी को चर्च बनाना है, किसी को गुरुद्वारा बनाना है, तो अभी क्या होता है कि अगर हम परमिशन के लिए फाइल दाखिल करते हैं तो वो मंत्रालय के अंदर फाइल जाती है, गौरव डिपार्टमेंट के अंदर, उसकी एक सिर्फ NOC लेने के लिए, और NOC 1 साल 2 साल 3 साल मिलती नहीं है। तो वो जो अट लगी है मैं बोलता हूं कि वट खत्म होना चाहिए, मेरी डिमांड है। अध्यक्ष महोदय आखिर में मुझे एक बात कहनी है कि हम 4 साल से सभागृहों के अंदर आके वारंवार डिमांड कर रहे हैं और मैं खासतौर से विशेष मालेगांव शहर के लिए, मालेगांव शहर मालेगांव महानगर पालिका हो गई है,
और मालेगांव महानगर पालिका के अंदर पूरे शहर का एक हमारा बड़ा रास्ता जो है, जो सेंटर रास्ता है, वो जूना आगरा रोड जिसको बोलते हैं, उस जूने आगरा रोड के लिए हमने बार बार डिमांड की, बार बार ये हमने मुतालबा किया नगर विकास डिपार्टमेंट से कि हमको उसको पैसा दो। ठीक है, अगर 100% अनुदान नहीं दे सकते हैं तो कम से कम सौरजयंती नगर उद्यान के जरिए वो पैसा अगर हमको मिलेगा तो हम मोतीबाग नाके से लेकर ज्योतिबाग फुले पुतले तक, शिवाजी पुतले से लेकर हम देवी के मल्ले तक का ये बड़ा रास्ता जो दोनों बाजू से गटरे रोल करना है, ये अगर आप, अगर सरकार ने अगर मंजूरी दे दी तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा काम हमारा हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की संधि दी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।